lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay. Take me away, I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. You try, do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving. Hi guys, namaste and welcome to my channel Ruchi Style Corner. तो आज मैं कर रही हूँ vlog. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दिनों बाद vlog कर रही हूँ, ऐसे normal vlog कर रही हूँ. दो just only 6-7 days ही हुए हैं, but still मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दिनों बाद vlog कर रही हूँ और आप लोगों से मिल रही हूँ. So yes, मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा कि सब लोग safe हैं ना, घर पे ही हैं, अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए. तो अभी मैं आज start करने वाली हूँ अपना normal routine. Video edit करना है और साथ ही साथ मुझे आज मुझे hair wash भी करना है, तो मैं oiling वगैरह ये सारा रिजी में भी करने वाली हूँ. सो यस, लेट्स स्टार्ट द डे. और अभी क्या है ना, अभी क्योंकि थोड़ा सा माइंड को स्टेबल रखने के लिए मैं थोड़ा योगा वोगा ज़्यादा कर रही हूँ. जैसे पहले मैं सिर्फ 10 मिनट योगा करती थी, तो अब मैं कम से कम आधा घंटा योगा करती हूँ. और मैं योगा तो कर रही हूँ फिर मैं मेडिटेट भी थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ. नॉर्मल वाली जो हींग आती है ना वो है, एंड साथ में ये वाली जो है ये देसी हींग है, ये इस तरह से आती है. एंड जो नॉर्मल मार्केट की हींग होती है उसमें तो स्मेल इतनी आती ही नहीं है, बट ये जो मैं देसी हींग यूज़ कर रही हूँ ना, ये बाप रे, इतना सा छोटा सा भी पीस अगर आप ले लोगे ना तो बहुत देर तक स्मेल आती है. तो मैं क्या करती हूँ, दोनों को मिक्स करके यूज़ करती हूँ. एंड यहाँ पर अभी मैं आज बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, तो आई नो इट्स नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए मैं पूरी रेसिपी भी शेयर नहीं कर रही हूँ. और यहाँ पर मैं बना रही हूँ रायता. तो अब मेरा जो दही है वो काफ़ी अच्छे से सेटल होने लगा है. सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, काफ़ी अच्छे से टिप्स दिए काफ़ी सारे लोगों ने मुझे. काफ़ी सिंपल था आई नो, बट मुझसे पहले नहीं होता था, बट अब अच्छे से सेटल होने लगा है. तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ भुना हुआ जो जीरा होता है ना उसका पाउडर, ये घर पे बनाती हूँ मैं. और उसके बाद काला नमक डाल रही हूँ. दोनों चीज़ें पेट के लिए बहुत अच्छी होती हैं. उसके बाद यहाँ पर मैंने ब्राउन शुगर यूज़ करी. आप जैगरी यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग ब्राउन शुगर का टेस्ट हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं. एंड पुदीना ज़रूर ऐड करिएगा, बिकॉज पुदीने से पूरा रायते का टेस्ट चेंज हो जाता है, मतलब चार चांद लग जाते हैं पुदीना जैसे ही ऐड करते हो तो. धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ें. और उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी, छोटा तड़का लगाऊंगी. तो उसके लिए मैंने यहाँ पर तड़का पैन ले लिया है. येस, आई एम चेंजिंग दिस तड़का पैन. मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, सर्विसेज चालू हो गई है, तो आने वाला है स्टेनलेस स्टील का. मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी. तो हाँ, यहाँ पर मैंने तेल डाला, राई डाला, और थोड़ा सा ग्रीन चिली एंड रेड चिली, और जो था ना रेड चिली पाउडर वो भी डाल दिया है. और यहाँ पर बूंदी जो होती है वो डाल दी है. एंड दैट्स इट, आपका जो रायता है वो रेडी हो गया है बन करके. बहुत यम्मी लगता है ये.
मैं रेडी इसलिए घूम रही हूँ क्योंकि अभी मेरी है वर्कशॉप. मैंने एक वर्कशॉप के लिए रजिस्टर किया था, मैक्रमे वर्कशॉप के लिए. मैंने आई थिंक, अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो 2020 वाला जो जब हमारे यहाँ ये पैंडमिक हिट नहीं हुआ था, तब मैंने उस साल सोचा था कि मैं काफ़ी सारी वर्कशॉप्स अटेंड करूँगी, बट एक साल ऐसे ही चला गया शॉप में बोल लो या जो भी बोलो. 21 में भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं एंड एक्चुअली मेन तो रीज़न ये है कि मेरा ये वर्कशॉप अटेंड करने का, ताकि मैं अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट कर सकूं. और मुझे काफ़ी शौक भी है मैक्रमे की चीज़ों का, तो मैंने सोचा लेट्स सी वर्कशॉप अटेंड करके देखते हैं कैसा लगता है. मैं डेफिनेटली उसका फीडबैक दूंगी और किससे मैंने वर्कशॉप ली है वो मैं वर्कशॉप के एंड में रिव्यू दूंगी, बिकॉज ये मैं उससे वर्कशॉप ले रही हूँ जिसका मेरे पास काफ़ी सारे मैक्रमे के सामान है. सो आई डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू द ऑनेस्ट रिव्यू बिकॉज मैंने पे करके ये वर्कशॉप अटेंड करी है. तो क्यों मैंने उससे पूछ लिया था जो वर्कशॉप दे रही है मेरे को, कि मेरे पास मैक्रमे का कुछ भी सामान नहीं है, दो दिन पहले ही मैंने रजिस्टर किया क्लास के लिए. और तो उसने मुझे बोला कि जो अपन भगवान पे चढ़ाते हैं ना, हाथ में बांधते ना बट्टी जिसको बोलते हैं, हाथ में बांधने वाला जो धागा होता है पूजा का, वो यूज़ कर सकते हैं कोई सा भी थिक. तो मेरे पास काफ़ी सारा वुलन थ्रेड रखा हुआ है, सो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दैट वुलन थ्रेड ओनली. मेरे पास जूम लिंक विंक सब कुछ आ गया है. तो बस अभी 5 बजे से स्टार्ट होने वाली है वर्कशॉप. आई एम गोइंग टू सिट इन माई बेडरूम, बिकॉज यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी. तो मैं वुलन वाला पहले सामान निकाल लेती हूँ. वह है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर मैंने ना ये सब लिख के रखा हुआ है कि कौन सी शेल्फ में क्या क्या सामान है, क्योंकि बहुत सारा सामान रहता है ना, तो कन्फ्यूजन ना हो रखा हुआ है. ये मैंने इसमें से, तो ये मैंने ले लिया है, एक वाटर बॉटल ले ली जाए. सो दिस इज़ माई सेटअप, मैंने ये रख लिए हैं यहाँ पर. एंड येस, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सीजर, सो मैंने ये भी यहाँ पर रख दिया है एंड एक सीजर लेकर के आ गई हूँ. ओके गाइस, आई एम डन विथ माई क्लास नंबर 1. दो क्लासेस होने वाली हैं, एक आज हुई है और एक कल हुई है. तो आज हम लोगों को मिला है होमवर्क, जो कि हमको ग्लास की बॉटल का कवर वगैरह कुछ बनाना है, हैंगिंग उसको कन्वर्ट करना है. तो वो मैं अभी बनाने के लिए बैठने वाली हूँ. और अभी हम लोगों को जो सिखाया है वो ये सारी चीज़ें मैंने बनाई है, बेसिक चीज़ें हैं. कल एडवांस लेवल वाला होने वाला है चीज़ें, जैसे ये जो मिरर वगैरह होते हैं ना, मैक्रमे मिरर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें कल सीखेंगे. सो इट वॉज़ अ नाइस क्लास. एक्चुअली मेन चीज़ मैंने नोटिस किया उस 2 घंटे में जब तक मैं ये बना रही थी और प्रैक्टिस भी कर रही थी ना, तो ये इतना ऐसे डेडिकेटेडली आपको ये बनाना पड़ता है कि आपका ना दिमाग किसी और चीज़ में नहीं जाता है. तो इट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टिंग काइंड ऑफ अ आर्ट, मतलब स्ट्रेस बस्टर आर्ट है ये. बहुत अच्छा एक आर्ट है जो कि नया इंक्लूड हो गया है मेरे उसमें, कि हाँ मुझे भाई मैक्रमे की चीज़ें बनाना आती है. प्रैक्टिस है पूरा उसने जिससे मैंने सीख रही थी. ओके, तो मैंने किससे सीखा है, ये विश्वा से. उसका इंस्टाग्राम का पेज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. काफ़ी ज़्यादा वो वर्कशॉप्स अपनी हर 15-20 डेज में उसकी आती रहती है, सो यू कैन रजिस्टर एंड बहुत अच्छे से सिखाती है वो. सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन हर वर्कशॉप. क्या हो रहा है ये? ये क्या हो रहा है? इतना शाहरुख खान ही बनने जा रहे हो? नहीं,
अभी क्या, अभी ये खुल जाएगा, ये देख ये टूट गया। हाँ इतना चार बार में ना आप ऐसे हाथ से भी यहाँ पर ऐसे ऐसे करते तो ये टूट जाता है। इससे मारेंगे, इससे क्यों मारेंगे यार? नहीं क्यों, क्यों ना बे, हाथ से तोड़ के दिखा, हाथ से क्यों तोड़ना है, बेलन से भी एक बार तो स्टाइल मारने के अलावा ये ओ हो रोट खाएंगे, दिमाग बढ़ाएंगे। यस, आपको दिमाग की सबसे, आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, आपको सबसे ज्यादा जरूरत है दोस्त मेरे। यू नीड इट, यू वेरी बैडली नीड इट। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कल जो मैं बना रही थी ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा कितना कंप्लीट हो गया है। एक सेकंड, सो दिस, ये दिख रहा है आपको, इतना मैंने कंप्लीट कर लिया अपना होमवर्क। काफ़ी सारा हमारा ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें ग्रुप में ना काफ़ी सारे लोग अपने अपने जो उनके कंप्लीट हो गए वो डाल रहे हैं। एक्चुअली ये जो वूल है ना, ये काफ़ी थिन है, तो इसको बनाने में डेफिनेटली दिक्कत आ रही है। मोटा वाला जो वूल आता है ना, वो भी नहीं है, ये एकदम पतला वाला वूल है। तो मैं मंगवाऊंगी वो आज, विश्वा बताएगी कि भाई कौन सा मैक्रेम ले सकते हैं, कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स वगैरह वो शेयर करेगी जिनसे आप ले सकते हो। तो वो आज जब बताएगी तब फिर मैं ऑर्डर करूंगी। मैंने कहा पहले रुक जाते हैं। और आज अभी विक्की पूरा, विक्की क्या करता है, विक्की और हम लोग क्या करते हैं, मैंने तो ये फर्स्ट टाइम ही किया था, हम साइज जाती है ऐसे क्लाइंबिंग वाली। तो क्योंकि हम लोग रहते हैं 20th फ्लोर पे, यूजुअली लोग लिफ्ट ही यूज़ करते हैं, मतलब 3rd, 4th, 5th फ्लोर तक वाले शायद स्टेयर यूज़ करते होंगे, बट कोई यूज़ नहीं करता स्टेयर्स, यूजुअली वो खाली रहती है और एकदम ऐसे कोने में है, तो कोई आता जाता है नहीं, तो वो थोड़ा सेफ भी है। तो हम लोग स्टेयर से नीचे जाते हैं और चढ़ के आते हैं। तो विक्की ने आज करा है, परसों के दिन मैंने किया था, नहीं हुआ मेरी, ऑब्वियसली सांस मेरी बहुत चढ़ गई थी, ऊपर नीचे हो गई थी इतना चढ़ने के बाद। और उसके बाद फिर मैं बेड पे जो लेटी हूँ, कम से कम आधा एक घंटा मैं उठी नहीं थी बेड से, मेरे पैर इतने ज़्यादा दुख गए थे। ये सिंगल पसली वाली बात नहीं, अभी मुझे काफ़ी सारे ना एक्नेज हो रहे हैं अपने स्किन पे, मेरे को यहाँ पर काफ़ी ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, मे बी आई एम पीएमएसिंग इसलिए, या फिर मैंने बहुत स्ट्रेस इस मंथ ले लिया है। मेरा आई एम श्योर कि मेरा ज़रूर अंदर का हार्मोन्स जो है वो ऊपर नीचे हुआ होगा, क्योंकि जब भी मैं स्ट्रेस लेती हूँ, आई हैड अ हिस्ट्री ऑफ PCOS, तो इट माइट पॉसिबल दैट हार्मोन और स्ट्रेस जो है वो ट्रिगर करता है इन सब चीज़ों को, तो मे भी ट्रिगर हुआ है। इस एक्ने के ऊपर मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या लगाया हुआ है, इन केस इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन और आपको ऐसे पल्प वाला एक्ने अगर होता है तो। एक सेकेंड, लेट मी शो यू, आई हैव यूज्ड दिस। ये है डॉक्टर बेलमर की पैच, एक्ने पैच करके है, स्पॉट प्लास्टर एंड बैंड, एंटी इम्परफेक्शन, सो इट वर्क्स रियली रियली गुड। इस तरह की ऐसी स्टिक्स आती हैं, ऐसे आती हैं ये, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ जहाँ पर भी एक्ने हुआ है उसमें इसको लगा, आपको दिख रहा है शाइनिंग कर रहा है, तो यहाँ पर आपको लगा देना होता है। एंड विद इन 2 डेज, मतलब आज मेरा ये एक्ने अच्छा उसमें पल्प आ गया है एंड एक्ने को सप्रेस कर देता है, विद इन 2 डेज डेफिनेटली मार्क तो वो छोड़ के जाता है। मेरी तो स्किन ही ऐसी है कि मेरे को अगर कोई एक्ने हो और वो बिना मार्क्स का चला जाए तो मतलब मैं ही अनबिलीवेबल सा कुछ चमत्कार हो जाएगा, बट मेरी स्किन ही ऐसी है कि मुझे जो एक्ने होता है वो मार्क्स छोड़ के जाता ही जाता है। बट ठीक है, वो तो मैं सब स्किन केयर अच्छी कर दूंगी तो उससे मेरे मार्क्स चले जाएंगे, बट हाँ मुझे एक्नेज हो रहे हैं। तो यस, अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए एंड आज बना रही हूँ राजमा। मैंने रेसिपी शेयर कर दी है ऑलरेडी राजमा की, तो अभी मैं फटाफट से राजमा एंड रोटी बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये इंस्टॉल कर रहे हैं, ये एक्चुअली इसमें त्रिशूल ओम लिखा हुआ है एंड सातिया बना हुआ है, इट्स वेरी वेरी गुड, मतलब घर के बाहर लगाना अच्छा रहता है इसका, वास्तु के अकॉर्डिंग भी और हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग भी, आपके घर पे जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो नहीं आती हैं, ये तीनों का एक सिग्निफिकेंस है। और आज हम फाइनली ये बेल्स भी लगा रहे हैं, बेल दिखाओ, ये बेल ये लगा रहे हैं, वेरी ब्यूटिफुल। ओके गाइस, तो जो मेरी कुकिंग है वो पूरी तरह से हो चुकी है, ये बन रहे हैं राइस, ये बन चुकी है सब्जी, अभी ये थोड़ी सी और थिक हो जाएगी ऐसे रखते जाऊंगी तो। चार बार लेने के बाद मैं आप लोगों से शायद अभी मिल रही हूँ, तो एक्चुअली खाना वाना खाने के बाद ना मैं थोड़ा सो गई थी और मेरा ये जो होमवर्क है ये इनकम्प्लीट रह गया है, तो मैंने अभी सिर्फ इतना ही बनाया है। भाई साहब क्या टाइम लगता है ये काम करने में, मतलब ये सब जितने भी मैक्रेम में आर्टिस्ट हैं ये तो मतलब बहुत ही कम चार्ज कर रहे हैं जितनी उनकी मेहनत लगती है।
इतना बारीक काम है ये और इतना मेहनत वाला काम है और आपको पूरा इंडल्ज हो जाना पड़ता है. आपने जहाँ आप चूंकि आपका गठान जो है इतना पूरी नॉट्स का गेम है, पूरा नॉट्स का गेम है, जहाँ आपका ध्यान भटका आपका नॉट्स का गेम पूरा बिगड़ जाएगा. तो मतलब भयंकर कंसंट्रेशन वाला और इतने नीट काम करते हैं सब लोग. सो मतलब सैल्यूट टू ऑल मैक्रमे आर्टिस्ट, रियली ग्रेट ग्रेट सैल्यूट. मैं जैसे ही बनाती जा रही थी ना तो मैं अपना ये शैंडलियर देख रही हूँ बार बार, फिर मैं अपने वो मिरर्स देख रही हूँ बार बार कि बाप रे ये इतना सा बनाने में मुझे इतना देर लग गई. क्योंकि यार और भी और है ना, जो हम लोगों का ग्रुप बनाया हुआ है विश्वा ने, जिसमें जो मेरे बैच का ग्रुप है, सबके अलग अलग बैचेस होंगे, तो मेरे बैच के ग्रुप में सब धड़ाधड़ व्हाट्सएप पे ना इमेजेस भेज रहे हैं उनके, कंप्लीट हो गया है. और मैं सोच रही हूँ यार मैं तो कल बनाने के लिए बैठी थी रात में बनाने के बाद फिर सुबह काम में लग गए अपने. सुबह एक घंटा मिला, सुबह जो थोड़ा सा टाइम मिला उसमें थोड़ा सा बनाया. तो मतलब इट लिटरली टेक्स लॉट ऑफ टाइम एज वेल, और आपका टाइम लेता है और आपका मन पूरा डाइवर्ट रखता है. तो बस अब 5 बज गए हैं ऑलमोस्ट, मेरी सेकेंड क्लास स्टार्ट होने वाली है. सो अब मैं क्लास अटेंड करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ. विद द जो भी मेरा क्लास है वो खत्म हो गया. 2 दिन का सेशन था एंड आई हाईली रेकमेंड यू, बिकॉज क्या होता है ना, जैसे हम लोग, मैंने भी पहले सोचा था कि यूट्यूब से देख करके सीख लूँगी एंड यूट्यूब से देख के सीख लेते हैं हम लोग. और बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें होती है ना, जो दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड थिंग, मेरे को विश्वा ने कोई पे वे नहीं किया है, इट्स जस्ट दैट मैंने खुद पे करके उसका वर्कशॉप अटेंड किया है एंड बहुत अच्छे कॉस्ट के लिए उसने वर्कशॉप किया था. हेमकुंड फाउंडेशन को डोनेशन रेस करा था तो मैंने सोचा कि डोनेशन भी हो जाएगा, साथ में कुछ सीख भी लूँगी उस कॉस्ट से. सो उसमें मेरे एक दो सब्सक्राइबर्स भी थे, जिस वाले पार्ट में मैं थी ना उसमें कुछ सब्सक्राइबर्स भी थे. एंड काफ़ी सारे लोगों ने जब मैंने अभी मैसेज डाला तो मुझे मैसेजेस भी भेजे हैं कि उन लोगों ने ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं उसका वर्कशॉप. सो इट वॉज़ वेरी नाइस. बिल्कुल लाइट्स वाइट्स शाम हो गई है यहाँ पर आज मैं बैठी हुई थी, तो ये सब मेरा फैलारा जो है वो पड़ा हुआ है. और बाहर देख के आती हूँ, विक्की ने शाम हो गई है, 7 बज गए, कुछ लाइट्स ऑन नहीं करी है. ये देखिए ये पूरा अपने कमरे की लाइट ऑन करी है. क्यों नहीं करी, मैंने कल भी आपको टोका था, शाम का टाइम होता है, भगवान आते हैं ऐसे घर वाले बोलते हैं, तो भाई अंधेरे में आएंगे क्या वो. शाम हो गया, आज पिंक क्लाउड दिख रहा है. क्लाउड क्लास खत्म हो गई. हाँ यस ओके गाइस, तो ये वाला जो वीडियो है वो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. एंड आज तो काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, अभी घर पे बात कर रहे थे तो पता चला कि भोपाल तरफ में काफ़ी बारिश हुई है, भोपाल इंदौर में. सो यस, अब मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.